इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके शिल्पी प्लाजा के उपभोक्ता कॉम्प्लेक्स में संचालित रेस्टोरेंट में पड़ा पुलिस का छापा। आपको बता दें, ये छापा कई थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते सप्ताह एक युवती द्वारा दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें युवती ने अपने बयान में इस रेस्टोरेंट में दुष्कर्म होना बताया गया था, जिसके बाद आरोपी निखिल के बताए अनुसार आज पुलिस द्वारा संयुक्त छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें रेस्टोरेंट के अंदर बकायदे केबिन बनाई गई थी, जिसमें पुलिस को एक युवक और एक युवती संदिग्ध अवस्था में मिले हैं, साथ ही केबिन के अंदर से संदिग्ध सामग्री भी मिली है। इस छापामार कार्यवाही में संचालक, मैनेजर एवं एक कर्मचारी को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई है, जिसमें कार्यवाही अभी जारी है।